Unique way of Shankar Polji to express his view on reducing of 200 rupees on cylinders by Prime Minister Mr. Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi ji ajane gas cylinder chi price 200 rupayan kami keli. Honorable Prime Minister ajane raksha bandhan che gift ke puray Bharat vasiyatle sagya mata bhagini jilya satya khate Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ajja khub khub abhinandan karta ani goy sarkar cha vati आणि गोयच्या समेत लोकांच्या वतीने त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. हमारे सरकार ने कल ऐलान किया है कि सिलेंडर पे 200 रुपया कम है करके, कम होगा करके, तो हम लोग सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं से हमें ऐसी भू आ रही है कि कहीं ये राजनीतिक डिसीजन तो नहीं है, 2024 का हलवा तो नहीं है. जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 15 लाख अकाउंट में आने के लिए बहुत लोग बेकरार है, लेकिन किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है. आज चार साल तक इस सिलेंडर ने हमें निचोड़ के खाया, हमारा खून चूस के खाया ऐसे. और आज 200 रुपया कम करके ये हमें बहला रहे, फुसला रहे हैं. रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन का गिफ्ट बोल के हमारे भारत की बहनों को फुसला रहे हैं कि सिलेंडर हम लोगों ने 200 रुपया कम किया करके. क्या एहसान किया? 4 साल तक खाया नहीं? 4 साल तक जो सिलेंडर महंगा होके हम लोग जो खा रहे थे, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था? हमें पागल मत बनाओ. 2024 के लिए हम लोग तैयार हैं. हमें कौन सी सरकार लानी है, कौन सी नहीं लानी है, हमें मालूम है. मुझे मालूम है अंधभक्त मुझे पागल कहेंगे, लेकिन ये लोगों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि हमारे लोग बहकाव में आके बह जाते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि जब सरकार कुछ कम करती है तो एहसान कर रही है करके. गरीबों की सरकार बोल के चिल्ला रहे थे. आज ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार अदानी की है, ये सरकार कोल माफिया की है, ये सरकार बिल्डर लॉबी की है. आज हमारा जो पर्यावरण इन लोगों ने नष्ट किया है कोल की वजह से, अदानी की वजह से, हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे. चाहे सिलेंडर पे 1000 रुपया भी कम हो जाए, हम लोग आपके बहकाव में नहीं आएंगे. हम लोगों ने आज सिलेंडर को यहाँ माला डाली है क्योंकि आज सिलेंडर का महत्व पॉलिटिक्स में लोगों से ज्यादा हुआ है, पॉलिटिशियन से ज्यादा हुआ है. आज इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है. आज पेट्रोल, डीजल, गैस, इस पे पॉलिटिक्स हो रही है. आज कांदा, लहसुन, प्याज, इस पे पॉलिटिक्स हो रही है. इसके पहले जो पॉलिटिक्स हो रही थी इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन जो आज की जो राजनीति है वो बहुत गंदी है. और आज की इस राजनीति को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए, और हमें फेंकना पड़ेगा. अगर हमें भारत पहले जैसे बनाना है तो इसके बहकाव में हमें नहीं आना चाहिए. मैं सभी भारतीयों से गुजारिश करता हूँ कि जो सच है उसे सपोर्ट करें. अंधभक्त नाराज होंगे, मुझे माफ करना. थैंक यू.